हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए दोस्तों, जब भी मैं सब्ज़ियाँ लेती हूँ तो उसे पहले धुलकर रखती हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज को उससे अलग कर लिया है और सब्जियों को धुल रही हूँ। और जब ये ड्राई हो जाएगी उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और ये मेरा छोटा सा गार्डन है, ये देखिए इसमें टमाटर आ गए हैं। सब्जी अभी धुलकर हो गई है और ये देखिए इसके बाद हो गई है बारिश। पता नहीं मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि गर्मी में बारिश हो रही है। ये सब मैंने अंदर लाकर रख दिया है और ये मैं बना रही हूँ शाम की चाय। बारिश इतनी हवा और तूफान के साथ हुई है कि सब पत्तियां वगैरह सब गिर गई है। ये देखिए आंगन भी हमारा खराब हो गया है। तो इस पर मैंने डाल दी हूँ पानी और इसको मैं कर रही हूँ साफ। और यहाँ पर मैंने बर्तन जमा लिए हैं और सब्जियाँ भी हो गई है ड्राई। अब इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। और भिंडी को रख रही हूँ मैं पॉलीथीन में, क्योंकि पॉलीथीन में वो ताज़ी रहती है। और इन सबको रख देती हूँ फ्रिज में। और अब मैं बना रही हूँ डिनर। और डिनर में मैं बना रही हूँ आलू और अंडे की सब्जी, जो शायद आपने पहले कभी खाए नहीं होंगे। ये मेरे उबल गए हैं आलू, अंडे और चावल। मैं इसी प्रकार साथ में रख देती हूँ, कुकर में तो एक साथ उबल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अंडे को कर लिया है ऑयल में फ्राई और आलू को भी काट लिया है पीसेस में। और अब मैं कर रही हूँ सब्जी फ्राई। तो इसके लिए मैंने तेल में डाल दिया तेज पत्ता, जीरा, प्याज, इन सबको अच्छे से पकने दिया है। और एक तरफ मैं पानी को रख रही हूँ गर्म करने के लिए, सब्जी में डालने के लिए। और अब इसमें मैंने डाल दिया है बारीक कुटा हुआ लहसुन और इसके बाद डाल दिया अदरक। दोस्तों इसमें बारीक कुटे हुए अदरक लहसुन डालो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब डाल दिया है टमाटर। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे पकने देंगे। और इसमें मैंने डाल दिए हैं सूखे मसाले, कसूरी मेथी। और अब डाल रही हूँ इसमें मैं किचन किंग मसाला।
मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू और अंडे। आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें 3 अंडे ही क्यों डाले हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरी बेटी को सब्ज़ी में अंडा खाना पसंद नहीं है, तो एक अंडा मैं उसके लिए ऐसे ही रख दूंगी। और अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक और ये गर्म पानी, जितना पानी हमें चाहिए उतना डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से चलाकर पकने देंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप भी ऐसी बनाकर देखिए। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, 2 मिनट और पकाकर इसे मैं हटा दूंगी। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो रेडी हो चुकी है रोटियां। अब इसके बाद मैं लगा लूँगी सभी के लिए खाना। और ये देखिए सब्जी कैसे दिख रही है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।